हर हर महादेव। मैं एडवोकेट कुशाग राजा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस नए ब्लॉग में, जहां आज पकाई जाएगी सौगलो पाव भाजी। कोई देगा आज अपनी कला को नया आकार और होंगे किसी के झूला झूलने के सपने साकार। तो शुरू करते हैं हमारे इस नए ब्लॉग को, जहां होगा आपका साथ और हमारा प्रयास। सुबह सो के उठ के आया भी है महादेव भाई, हर बार की तरह इस बार फिर से नितिन भाइयों को भी और मैं, मुझे तो आप सब जानते ही हैं। कौन है तू? तू मैं नहीं, तू मैं हूँ तू। हम चल गए सब्जियाँ लेने, हमने डिसाइड करा है कि हम पाव भाजी बनाएंगे और पाव भाजी में डलती है बहुत सारी सब्जियाँ। मंडी के गंडी। तो जी सुबह सुबह हम नहा धोकर राजा बाबू में पहुँचे शाहदरा की सब्जी मंडी। इस बार हम लेंगे सब्जियाँ बहुत सारी, क्योंकि पाव भाजी में डलती है बहुत सारी सब्जियाँ, लेनी है ज्यादा सब्जियाँ। और वहाँ हमने ली चाचा की गाजर, बाबू के आलू, बिमला की शिमला और उस्ताद की प्याज के साथ सारी सब्जियां ली और हो लिए रवाना। सब्जियां ले ली है, सब्जियां बहुत सारी हो गई थी, तो मैंने मौलवी को बुलाया स्कूटी में, वो आए, आधी सब्जियां उन्होंने ले ली, आधी हमने ले ली। अब हम चल दिए हैं बनाने की प्रक्रिया पे सीधा ऑफिस की छत पे। हर हर महादेव भाई, हम सारा सामान लेकर के छत पे आ गए हैं, क्योंकि सबके गले खराब हैं तो थोड़ा सा हम लेट हो गए, बट कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सबकी तबीयत खराब है, सीजन चेंज हो रहा है। ये हमारे पहलवान जी ऑन टाइम रिपोर्टिंग, ये अपना खाने का सामान भी लिए हैं, टकाटक और एक लीची जूस। रेसिपी बनाने के लिए हमारे मीडियम साइज के दोस्तों ने अपना तन मन लगाकर और अपना पिछवाड़ा दबाकर सामान छत पर ट्रांसफर किया। हर हर महादेव गाइस, हमारे विशेष शेफ हमारे भाई वापस आ चुके हैं बीच में, क्योंकि आपको सबको बताया था इनकी वाइफ के प्रेग्नेंट थी लास्ट टाइम, चल रहा था इनके बहुत प्यारी सी गुड़िया हुई है। गुड़िया का नाम बताओ व्यूअर्स को। घर पे सिया बोलते हैं, वैसे सियारा, सियारा, सियारा नाम रखा है, बहुत प्यारा। सब ब्लेसिंग्स दें इनकी बेटी को, सब ब्लेसिंग्स दें और इनको भी ब्लेसिंग्स दें कि ये भी थोड़े से फिट हो जाए। देखो ये हाँप रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे आकर के बहुत भीतरा हाँप रहे हैं हमारे शेफ साहब। चलो जी अब करते हैं काम शुरू। चलो डन, आज बहुत बेहतरीन पाव भाजी बना के खिलाई जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। उसके लिए हमने लिया एक बड़ा भगोना और उसकी छाती पे ठंडे पानी की धार मारकर किया उसे घायल। फिर उसमें 20 किलो आलूओं के सारे खानदान को एक साथ स्नान करा के उनका मैल निकाला। गया। दो तीन चार। और फिर उनके पैदाइशी कपड़े छील कर अलग करने शुरू किए। फिर बाबू के आलू के छोटे छोटे टुकड़े करके आलू के बाबू कर दिए। फिर गुस्से में आए 10 किलो लाल टमाटरों को पानी में डुबकी लगवाकर शांत किया। और 10 किलो फूल गोभी की कुछ सहेलियों को भी पानी में शार दिया। और फिर गर्मी की छुट्टियों से आई 5 किलो गाजरों को भी पानी में हिचकोले खिलाए। फिर उन्हें नहला धुलाकर कटिंग कुटिंग के लिए पार्सल किया। फिर गाजर को छीलकर एक गाजर के 3-4 टुकड़े करने शुरू किए। फिर कटे हुए आलू को दोबारा से पानी में धोकर उनके मन का मैल भी निकाला। फिर उसमें हमने की फूल गोभी की फौजी कटिंग। और उसमें कटी हुई गाजरों को मिलाकर चूल्हे पर रखा, चूल्हे की चूतड़ों में लाइटर दिया और चूल्हा स्टार्ट किया। और उसमें नमक डालकर 20 मिनट के लिए छोड़ दिया। और फिर अंटे में लिया सब्जियों का दूसरा ग्रुप, जिसमें सबसे पहले आई अपना घर कलेश सुनाकर इमोशनल करती 5 किलो प्याज को पानी में नहलाकर उनका मूड चेंज किया। फिर ली जुबान को लगाम लगाती 100 ग्राम हरी मिर्च और 1 किलो उसकी शिमला वाली मौसी और दोनों को एक साथ नहलाया। और फिर ली गले को गायक बनाती 1/2 किलो अदरक और ताजगी का टॉनिक, 1/2 किलो नींबू और 1/2 किलो ताजा धनिया को भी नहलाकर और ताजा किया और कटिंग करने का कार्यक्रम शुरू किया। और कटिंग के साथ 1/2 किलो लहसुन को भी वहीं छीला गया। फिर कटिंग कार्यक्रम के बीच आलू गोभी गाजर का मुआयना किया, वो उबल गए थे। फिर उनको एक बड़ी परात में निकाला और भीज कर उनका दम निकालना शुरू किया। व्लॉगिंग में दिखाता हूँ। चलो जी ये भाजी के लिए वेजिटेबल्स बॉईल करने के बाद मैश करते हुए
और ये बच्चा हमसे पंगे लेते हैं और हमें सिर्फ मिट गए। हर हर महादेव गाइस। ओजस भाई आज आपको मजा तो आएगा नहीं। हर हर महादेव। क्योंकि चटनी वट्टी तो बनवाई नहीं है। चटनी वट्टी तो गाइस है नहीं, पाव भाजी है, इन्हें चाटने का शौक है, कुछ ऐसा है नहीं, मगर हाँ तुम भाजी चाट के बता सकते हो। ये हमारे अमृत भाई हैं, ये कैमरा संभालते हैं। अमृत भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, टाइफाइड है इनको, उसके बावजूद भी आए हैं बेचारे। कीप इट अप अमृत भाई, व्यूअर्स बहुत खुश हैं आपको देख के। फिर वही बच्चों के सामने गंदी गंदी बातें। ये नितिन भाई बहुत गंदी बात कर रहे हैं, आज इनकी बीवी को दिखाएंगे। सही है। हाँ जी नितिन भाई, कौन है सेक्सी? नन्नू भाई सेक्सी। गजब टूबी बाज आदमी। हर हर महादेव गाइस। टीम वर्क ये ये हमारे विशेष भाई हैं, शेफ साहब। ये गाना थक इतना थक जाते हैं। सब सब थक गए। कैमरा जैसे ही इनके ऊपर आता है ना, आते ही ये पलटा वल्टा उठा लेते हैं एकदम ही। आते ही पलटा उठा, ये कर वो कर, इंस्ट्रक्शंस दे, ऐसा करो। हर हर महादेव भाई। खुशी होती है देख करके कि जब सभी साथी साथ प्यार से एकदम लाइक अ टीम वर्क काम करते हैं। ये देखिए, ये कटिंग चल रही है इधर, इधर प्याज की चॉपिंग चल रही है। हमारा भतीजा बंकू लगा पड़ा है इधर। फिरोज भाई हमारे, फिरोज प्यारा बच्चा हमारा लगा पड़ा है प्याज में। इधर ये सब्जियां मैच करते हुए हमारे शेफ साहब सबसे मेन काम करते हैं, सबको सिर्फ डायलॉगबाजी करते हैं खड़े खड़े। तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम वो कर दो, तुम ये कर दो। ये रहे हमारे शेफ साहब, इनको सिर्फ बोलने में ही पसीने आ रहे हैं। भाजी की रिपोर्ट लेने के बाद अब पाव की रिपोर्ट अपने चेल से लेते हैं। बाबा पाव में कितनी देरी है? सेल। बाबा पाव के लिए क्या कह रहा है? पाव लेने गए थे हम, उन्होंने कह दिया गर्म है, आधा घंटे का टाइम दिया। जब पंखा चलेगा, जब सूखेंगे, जब उसकी पैकिंग होगी, जब पैकिंग नहीं करी, घोल के उसे मक्खन डाल के बांटेंगे। मंजिल की चाह है अगर तो कोशिशों को वक्त देना पड़ेगा। जहाँ जिम्मेदारी बदलाव की मिलेगी, वहाँ खुद का रक्त भी देना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, हमारे उंगली कट चुकी है, छिल गई है पूरी। ओहो, ये देखिए जी, सबकी उंगलियाँ कट चुकी हैं आज। बेटा उंगली नीचे रखना, तो जी। इस घोटा घोटी और कटाई कुटुई के बाद अब बढ़ते हैं भाजी बनाने के प्रोसेस की ओर। तो 100 किलो भाजी बनाने के लिए हमने लिया बड़ा भगोना, उसको चूल्हे पर रखा, चूल्हे की चूतड़ों में लाइटर दिया और चूल्हा स्टार्ट किया। फिर उसमें हमने डाला 5 किलो शुद्ध सरसों का तेल और फिर डाला करीब 20 ग्राम जीरा और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हिलाया। फिर डाली कटी हुई शिमला मिर्च और उसे थोड़ा भूना। फिर 200 ग्राम देगी मिर्च डालकर थोड़ा हिलाया और फिर डाली कटी हुई प्याज। प्याज और शिमला मिर्च अलग अलग इसलिए डाली है क्योंकि वो दोनों ही पानी छोड़ती हैं। फिर इसमें नमक डालकर लगभग 5 मिनट तक भूना। फिर इस भुने मसाले में डाला करीब 250 ग्राम अमूल बटर और इसे करीब 20 मिनट तक चलाया। फिर डाले कटे हुए लाल लाल टमाटर, 100 ग्राम चाट मसाला, 250 ग्राम धनिया पाउडर और आधा किलो पाव भाजी मसाला डालकर लगभग 15 मिनट तक पकाया। फिर उसके बाद हमने डाली नहा धोकर आई 2 किलो मटर और उसे 10 मिनट तक पकाया। धनिया लिया, धनिया ये वाला उठा के। फिर थोड़ी सी धनिया की डेकोरेशन। फिर मटर के पकने के बाद हमने उसमें डाली मैश्ड वेजीज, आलू, गाजर, गोभी। और फिर उसे 5 मिनट तक चलाया और फिर डाला लगभग 250 ग्राम अमूल बटर और लगभग आधे घंटे के लिए छोड़ दिया। अब इतने तल लो थोड़ा टाइम पास। ये सौरभ भैया विशेष भाई के साथ रोमांस करते हुए। चल। फिर जो बच्चे मेले में झूला नहीं झूल पाए, उन्हें हथ झूले से झूला झुलाया। घुमा। और फिर नन्हे सुमो रेसलर से करवाई निशुल्क मसाज। पहलवान जी, चार चीज बता देना। पहली तो
बाद में तुम कहो कभी 1 करोड़ रुपए हो गए भाई साहब, 2000 रुपए हो गए आपके तो। फ्री 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 पहलवान जी मालिश करते हुए। और फिर एंट्री हुई सलमान खान की, झूठी बीड़ी पीकर आए संजय दत्त के फूफा के लड़के की। संजू बाबा बोलते हैं हमें ये। और ये देखो हमारे दो रुपए पड़े, किसके पास 2 रुपए नहीं पड़े यार, जा रहा हूं। ये हमारा असला है, गोली सीधे छाती के पार जाती है। अबे साले, हर हर महादेव गाइस। नितिन भाई के बच्चे आ गए दोनों। बाबू हेलो करो। हेलो बेटा। हां नन्नू, तुम क्या कह रहे थे नन्नू बाबू? अभी हेलो करो पहले बेटा, कैमरे के आगे। ये क्या कह रहा है नन्नू? इसकी बात ओए, और नन्नू की बात मानना। हेलो कर पहले, यू भी हेलो करो। हेलो करो, पापा की बात मानना है। हम कौन है? अच्छा तुम कौन हो नन्नू बाबू? तुम कौन हो? ये छोटा वाला। अरे छोटा वाला, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? बेटा तुम्हारे पापा का क्या नाम है? नन्नू। नन्नू? अच्छा, राहुल है। भाई नितिन देख ले भाई। हाँ भाई देख ले, चाचा बहुत बोल रहे हैं बेटा। भाई तेरे छोटे लौंडे पे देख ले, अपनी स्टैंप लगा रहा है नन्नू। फिर वापस रेसिपी की तरफ आए तो भाजी पकने से 10 मिनट पहले उसमें हमने डाला 1/2 किलो नींबू का रस। फिर धनिया की डेकोरेशन। फिर थोड़ी देर पकाने के बाद उसमें हमने डाला 1/2 किलो अमूल बटर। ओए होए। तो इस अंतिम क्रिया के बाद हमारी भाजी तैयार हो गई थी और अब समय आ गया था हम सबकी मेहनत सबके प्रयासों को अंजाम देने का, यानी खुशियां परोसने का। तो करने से पहले शुरुआत हमने लिया डैडी जी का आशीर्वाद। हर महादेव भाई, पाव आ चुके हैं सारे, डैडी जी हमारे साथ बांट रहे पाव भाजी, बच्चों के साथ खाएंगे, उन्हें खिलाएंगे। मेरे सारे पाव सब लाइन से लगा दिए हैं। बच्चे बोलो हर हर महादेव। अबे तो खा ले नहीं से। जय श्री राम, जय श्री राम। बड़े भैया, भैया को दो, भैया को दो। कैसी लग रही है बताओ? मजा आ गया? आ भी है जी। चल कैसी लग रही है? बढ़िया। मजा आ गया? मजा आ रहा है। हर हर महादेव भाई। ये ऋषि भाई है हमारे, मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई, मेरे ये भाई बहुत अजीज। अब ये पाव भाजी खा के बताएंगे कैसी लगी। चाचा भाई पाव भाजी खा के बताओ कैसी लगी। आपका रिव्यू बड़ा कीमती है। बिल्कुल बड़े भाई, बनाओगे आप? बहुत गजब भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लव यू लव यू लव यू लव यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शुरू हुई जो खुशियां बटने, अंतिम क्षण तक यही रहेगा। रुकावटें रास्ता खुद बदलेंगी जब तक माँ बाप का साथ रहेगा। कैसी लगी? कैसी लगी? अच्छी। और तुझे? तू तो सो के उठ के आया भी है। आशु आई है क्या? वे आशु आई है। तो जी ये था हमारा आज का प्रयास, और जाते जाते इतना ही कहेंगे कि भूखों की भूख मिटे, प्यासों की प्यास, कर्मों से आप बढ़ें, प्रयासों से आस। गरीबी में कर्ज मिले, अमीरी में धन, शोहरत को मुकाम मिले, निर्धन को मन। है जिंदगी ही जिंदगी तो जिंदगी ही क्या है, है ख्वाहिशे ही जीना तो ये ख्वाहिशे ही क्या है, है मतलब ये दुनिया क्यों ये स्वार्थ से है चल रही, है बांटना ही जीवन फिर ये जीवन ही तो क्या है। तू रख ले इसे। चीची खा लो आप। दे दो इसे। मैंने टॉफी खाई है मैंने। इसका दोनों डबल कर ले। ले बेटा ले। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में हमारे नए प्रयास के साथ। हर हर महादेव। मैं नितिन भाई क्या हो गया? ये पाव भाजी खाई है भैया, खुद भी खाई है, घर वालों को भी खिलाइए, मम्मी को नहीं तो पापा को ले आइए। Yeah, I'm going to go.